सो इन दिस गाइड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉप 5 वेडिंग फोटोग्राफी कैमरा ऑफ 2022। और ये जो टॉप 5 कैमराज हैं मेरे दोस्त, इनमें से कौन कौन से कैमरा आप सिर्फ फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हो, या फिर फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी दोनों के लिए, या फिर सिर्फ सिनेमाटोग्राफी के लिए, ये मैं वीडियो में बताऊंगा। सो वेलकम फ्रेंड्स टू दुनिया कैमरा .com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी कैमरास ऑफ 2022। और यहाँ पर सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी कैमरे के बारे में नहीं बात करेंगे, वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द बेस्ट सिनेमाटोग्राफी कैमरा, कि अगर आपने सिनेमाटोग्राफी करनी है या वीडियोग्राफी करनी है तो आपके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा रहने वाला है। सो चलिए गाइड की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। योर लाइक्स योर कमेंट्स help us to grow, you know, the YouTube algorithm stuff and all that. So in this guide we will be talking about the top 5 wedding photography camera of 2022. और ये जो top 5 cameras हैं मेरे दोस्त, इनमें से कौन कौन से camera आप सिर्फ photography के लिए use कर सकते हो, या फिर photography cinematography दोनों के लिए, या फिर सिर्फ cinematography के लिए, ये मैं video में बताऊंगा। सो लेट्स जंप इन टू द लिस्ट। बट जस्ट बिफोर दैट मैं ये आपको बता दूं कि जो entire top 5 camera ये सारे mirrorless है, ठीक है। ये बातें आपने समझनी है कि जितने भी टॉप 5 कैमरे के नाम मैं लेने वाला हूँ इस वेडिंग फोटोग्राफी गाइड में 2022 के लिए जो मैं बना रहा हूँ, सारे सारे मिररलेस है। नो वे टू हैव अ DSLR कैमरा इन द ईयर ऑफ 2022, अब कोई चांस नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स द DSLR जायंट्स इनटू DSLR कैनिबलाइजेशन 2018 से वो लगे हुए, अब तो हमें छोड़ना पड़ेगा एज अ कंज्यूमर। जब बनाने वाले ही DSLR कैनिबलाइजेशन पर लगे हुए हैं, देन एज अ कंज्यूमर हमें क्यों मोह माया जगरी DSLR, हम भी छोड़ देते हैं, चलो। बट राइट नाउ इवन ये सारी चीज़ें हो रही है, डिस्पाइट ऑफ दैट मेरे पास 2 DSLRs को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 2 DSLRs, दीज 2 बजट DSLRs, जिनके बारे में मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफर्स की तरफ से आ रहे हैं कि सर ये लें या ना लें, people are highly confused. So at the end of that video we will be talking about some budget solutions also, and also about these 2 DSLRs ke jinke bare mein mere paas maximum question puche ja rahe hain ki sir kya 2022 aa gaya hai, pata hai mirrorless ka season chal raha hai, but I want to take this DSLR, aap bolo to main le lu. So abhi main bolunga, theek hai, at the end of the video. So, chalo sabse pehli jo hamari recommendation hai for wedding videographers, photographers, cinematographers, और ये जो कैमरा है ना, ये मैं कहूँगा कि भाई दिस इज़ द बेस्ट कैमरा ऑफ 2022, और उसका नाम है Z6 Mark II कैमरा। इट इज़ ऑफकोर्स इफ़ यू हैव सम ब्रांड इश्यूज़ कि आपने ये ब्रांड पसंद नहीं है, ये अलग बात है, ये आपको सोनी पसंद है, कैनन पसंद है, ये अलग बात है। बट अगर हम 2022 की बात करें, अगर हम जिस प्राइस रेंज पर ये कैमरा और इसकी 24-70 F4 लेंस जो मिल रही उसकी बात करें, सो इट इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस, फीचर्स, लेंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर 2 लाख के नीचे की रेंज में आपने एक परफेक्ट वेडिंग फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी कैमरा चाहिए, द Z6 Mark II इज़ मेड फॉर यू, विदाउट हैविंग ए सेकेंड थाट इन योर ब्रेन, मुझे और कोई सेकेंड थाट आए, मुझे डिस्टर्ब करे, मेरे गोल से हटाए मेरे को, यू शुड गो एंड बाय दैट कैमरा, ठीक है। This is my opinion to you, this is my suggestion to you. आपके पास और कोई question हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बट राइट नाउ इफ यू लुक एट ऑल द ऑप्शंस वी हैव फ्रॉम सोनी, फ्रॉम कैनन, फ्रॉम ऑफकोर्स इनसाइड निकॉन टू, ऑफकोर्स Z6 Mark II इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फॉर वेडिंग फोटोग्राफर। इफ पॉसिबल जस्ट गो एंड बाई 24-70 F4 लेंस, जितनी बजट है उसमें ये लेंस तो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। बाद में अपनी पोर्ट्रेट लेंस लेते रहेंगे, 85mm की लेंस ले लो जाके F1.8 वाली, बहुत अच्छी आउटपुट आएगी। 50mm की लेंस से भी आउटपुट आएगी, 40mm की F2 लेंस से भी आउटपुट आ जाएगी। मान लो बजट बहुत ही कम है तो चलो 40mm F2 ही ले लिए, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन बाई द बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी कैमरा ऑफ द 2022, द Z6 Mark II। अब देखो Z6 Mark II कैमरे के बारे में तो हमने बातें कर ली, ठीक है, बट ये समझना है कि Z6 Mark II कैमरे का नाम ऊपर आया कैसे और उसके पहले कौन टॉप पे चल रहा था, ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लो, जरूरी है हिस्ट्री जानना। A7 III वॉज द लीडिंग कैमरा ऑफ दिस जोन, और जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर्स थे बिफोर द अराइवल ऑफ Z6 Mark II कैमरा, इवन आई वॉज सजेस्टिंग देम टू गो एंड बाई भैया द A7 III इज द बेस्ट कैमरा फॉर यू। और A7 III कैमरे के साथ जो सपोर्ट में आ गई थी टैमरॉन की 28-75mm की RXD सीरीज की लेंस, वो एक बहुत लीथल कॉम्बो बना रही थी। बिफोर द अराइवल ऑफ Z6 Mark II कैमरा A7 III एक बहुत ही हॉट सेलिंग कैमरा था,
ये मार्केट लीड कर रहा था जितने भी वेडिंग सिनेमाटोग्राफर्स फोटोग्राफर्स थे जो 2 लाख की रेंज में एक बहुत ही अच्छा डिसेंट कैमरा चाह रहे थे फुल फ्रेम का, दे वेर पुटिंग देयर हैंड्स ऑन द A7III कैमरा की भैया जाओ A7III ले लो, A7III से बेस्ट तो कोई कैमरा था भी नहीं। बट आफ्टर द अराइवल ऑफ Z6 Mark II कैमरा और Z6 Mark II कैमरे की जो मेजर फर्मवेयर अपडेट्स निकॉन ने डाली इसके अंदर और इसकी AF AIF को बहुत अपस्केल करा, 4K 60p को इंट्रोड्यूस करा, इस सारी चीज़ों को लेकर एंड नाउ वी हैव द डुअल कार्ड स्लॉट्स एंड ऑफकोर्स द निकॉन रग बॉडी, सो ये सारी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए यहाँ पर ऑफकोर्स Z6 Mark II कैमरा हमें ज़्यादा अच्छा लगने लगा कम्पेयर टू द A7III कैमरा। एंड द Z6 Mark II कैमरा इज द एक्चुअल रीज़न, ऑफकोर्स R6 भी इसके पीछे थोड़ा सा रीज़न है, बट जो A7III कैमरे की सेल्स जो डाउनफॉल हुई उसके पीछे Z6 Mark II कैमरा एक बहुत बड़ा अपने आप में रीज़न था। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि A7III कैमरा बिफोर द अराइवल ऑफ Z6 Mark II कैमरा बहुत ही हॉट सेलिंग कैमरा था, मतलब हर एक कंट्री में आप उठाकर देख लो, जापान में, US में, यूरोप में, इवन इन इंडिया A7III वॉज द हॉटेस्ट सेलिंग कैमरा। अब इस हॉटेस्ट सेलिंग कैमरा से सोनी ने इतना इंस्पिरेशन ले लिया तब जो A7IV को लॉन्च करा वो एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा ही हॉट था, यानी कि अभी भी वो हॉट ही है और इससे इसकी हॉटनेस से रिलेटेड कई सारे सब्सक्राइबर जो है मेरे पास क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर इतना ये हॉटेस्ट कैमरा है अभी इसको परचेस करें ना करें, कैसे काम करेंगे इतने हॉट कैमरे के साथ। सो रिलेटेड टू द A7IV कैमरा हॉटनेस मैंने 2-3 वीडियो बना रखी है। इवन आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर हीटिंग इश्यू यहाँ पर A7IV कैमरा हमारा सेकंड कैमरा आता है सेकंड रैंक में, अदर इसमें अगर इसमें ये इश्यू नहीं रहती तो हम इसे फर्स्ट कर देते, बट इट्स इन द सेकंड प्लेस। और सेकंड प्लेस इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बहुत अच्छा कैमरा है फॉर फोटोग्राफर्स, फोटोग्राफी करना है आपने तो इसमें कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं आ रही, इवन अगर आप इसे हॉट और ह्यूमिड वेदर में भी यूज़ कर रहे हो तो 10-15 मिनट्स की वीडियोज़ या 20 मिनट्स तक की आप आराम से इसे निकाल सकते हो थ्रेशोल्ड वैल्यू को इंक्रीज करके। एंड व्हाई आई एम सेइंग कि भैया ये सेकंड नंबर का कैमरा है और फोटोग्राफर के लिए बहुत बहुत मस्त है, क्योंकि जब से सोनी ने इसमें S-Cinetone को ऐड करा है, जब से सोनी ने इसके मीनू सिस्टम या मीनू इंटरफेस को अपग्रेड करा है और जब से सोनी ने इसमें नया इमेज प्रोसेसर और नया इमेज सेंसर लगाया है, तब से इस कैमरे की जो क्वालिटी है बहुत बहुत ज़्यादा अपस्केल कर गई। अब कैनन वालों अगर आपने आपके पास बहाना था कि भैया मुझे सोनी की कलर टोन पसंद नहीं, मैं निकॉन में नहीं जाना चाहता, आई डोंट लाइक द कलर टोन स्किन टोन्स ऑफ निकॉन और सोनी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कैनन पसंद है, कि सर मैं R6 ले लूँ, नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव द ऑप्शन द A7IV कैमरा, यू कैन यूज़ द Cinetone पिक्चर प्रोफाइल और वहाँ पर बहुत ही सबटेल कलर्स आपको मिलते हैं, बहुत ही अच्छे स्किन टोन की रीजनरेशन ये कैमरा करता है। आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स, इफ़ यू आर अ वेडिंग फोटोग्राफर तब आपने आँख बंद करके A7IV कैमरा ले लेना है। इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ R6, आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग कि भैया देखो R6 से बेटर है A7IV कैमरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट R5, R5 इज इवन बेटर देन A7IV, आई एम कमिंग टू R5 एंड इट्स आवर थर्ड कैमरा, और हमने R5 को थर्ड क्यों रखा है उसके पीछे भी मेरी जो रीजन्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बट फॉर फोटोग्राफर्स A7IV कैमरा इज द बेस्ट कैमरा। ऑफकोर्स अगर आपकी बजट Z6 Mark II कैमरा से थोड़ा ज़्यादा है, यू शुड गो विद A7IV कैमरा विद 28-75 Z2 लेंस, जो नई कैमरॉन की लेंस आई है उसके साथ आपने जाना है, तभी इस पर्टिकुलर सेंसर रेजोल्यूशन को प्रॉपरली रिजॉल्व कर पाएगा कैमरॉन का लेंस। अगर फर्स्ट एडिशन वाली ले लेते हो तो नहीं रिजॉल्व कर पाएगा, ठीक है, दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू एंड ऑफकोर्स आई हैव इंटायर सेट ऑफ वेडिंग लेंस रिकमेंडेशन वीडियो आउट देयर फॉर A7IV कैमरा, और डिस्क्रिप्शन में भी कौन कौन सी वेडिंग लेंसेस आपने खरीदनी चाहिए A7IV के साथ वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड कैमरा, द टॉप 5 में से अब हम आते हैं थर्ड कैमरे के पास और वो है कैनन का R5। नाउ R5 के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, R5 के साथ ये प्रॉब्लम ये है कि इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी है और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त डिटेल से निकाल कर ला रहा है हमारे सामने ना, अब ये जज कर पाना एब्सोल्युटली पॉसिबल ही नहीं है कि भैया R5 जो है अपना एक कन्वेंशनल CMOS सेंसर यूज़ कर रहा है, ये BSI CMOS सेंसर नहीं यूज़ कर रहा है R5, बट जो इमेज क्वालिटी ये निकाल रहा है ये आपकी जो BSI CMOS सेंसर की इमेज क्वालिटी रहती है इसके कंपेटिटर की नियर अबाउट सेम रेजोल्यूशन की, उनको ये बीट कर रहा है डिटेल्स के मामले में, शैडो डिटेल्स की रिकवरी के मामले में, आप बात कर लो नॉइस कंट्रोल के मामले में, कलर रिप्रोडक्शन के मामले में, शार्पनेस के मामले में, इतनी अच्छी क्वालिटी कन्वेंशनल CMOS सेंसर से आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है ही नहीं।
मुझे तो लगता है कि कैनन इसके अंदर एक BSI CMOS सेंसर डाल के रखे हुए हैं एंड दे आर नेमिंग इट अ कन्वेंशनल CMOS सेंसर. आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड की, लेकिन इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त इमेज क्वालिटी. ऐसा कहा जाता है कि आप R6 ले लो फॉर बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस, बट लिटरली व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर द R5 एंड R6 इमेज क्वालिटी, लो लाइट परफॉर्मेंस में R5 अपना, डिस्पाइट ऑफ हैविंग दैट हाई रेजोल्यूशन सेंसर, द 40+ MP सेंसर, आपने कभी कोई सिचुएशन में ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा कि R6 ने अच्छा परफॉर्म कर दिया एंड R5 इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन लो लाइट कंडीशन. सो R5 इज द बेस्ट कैमरा दैट कैनन एवर मेड आफ्टर द 5D Mark IV और 5D Mark II. अपनी जिस भी 5D सीरीज़ को यूज़ करा हो, जो भी 5D सीरीज़ आपनी फेवरेट हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 1DX यूजर्स राइट नाउ यार, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी की बात हो रही है. सो लिटरली यहाँ पर द R5 इज द बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफर्स कैनन एवर मेड. ठीक है, ये चीज़ें आपने समझनी है. और मैं इसे तीसरे नंबर पे क्यों रख रहा हूँ, इसके पीछे दो बहुत मेजर रीज़न है. ठीक है, एक तो रीज़न कॉमन अपना जो A7IV का है कि ऑफकोर्स इसमें आप बहुत देर तक बेफिक्र होकर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, इसके लिए है R5C जो कि हमारे फोर्थ नंबर पर आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे. सो द फर्स्ट रीज़न इज़ या ऑफकोर्स द हीटिंग इश्यू इन वीडियो, कि अगर इसमें हीटिंग इश्यू वीडियो में नहीं रहती है तो हमारा शायद नंबर 1 कैमरा रहता है डिस्पाइट ऑफ इट्स प्राइस रेंज. बट हाँ, क्योंकि एक हायर प्राइस रेंज पे अवेलेबल है और इसके अंदर वीडियो में थोड़ी सी हीटिंग इश्यू है जिसके चलते हमने इसे 3rd रैंकिंग पर रखा है. सो लेट्स टॉक अबाउट द 4th कैमरा एंड द 5th कैमरा. 4th कैमरा जो टॉप 4 में से 4th कैमरा है हमारे यहाँ, यहाँ पर हमारे पास 2 कैमरा इस पर्टिकुलर जोन में एंड द 2 कैमराज आर द कैनन R5C एंड द सोनी A7S III. अभी जो 4th कैमरा हमने इसलिए रखा है कि ये दोनों कैमरा वेडिंग फोटोग्राफी के लिए उतने ज़्यादा यूजेबल नहीं है. ऑफकोर्स द R5C इज डेडिकेटेड फॉर सिनेमाटोग्राफी एंड सो द A7S III. ऑफकोर्स देर आर लॉट ऑफ वेडिंग फोटोग्राफर्स आउट देयर, दोज हू आर यूजिंग द A7S III कैमरा फॉर वेडिंग फोटोग्राफी टू. आप यूज करो, देर इज नो बिग इश्यू, आप यूज कर सकते हो, बट प्राइमरली दिस कैमरा इज डिजाइंड फॉर सिनेमाटोग्राफी पर्पज. यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यों 12 MP की सेंसर सोनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने सेलेक्ट करी. आपको इसके पीछे कारण जानना होगा कि 12 MP की सेंसर सिर्फ लो लाइट परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं यहाँ चुना गया. द ओनली बिग रीजन बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ 12 MP सेंसर ऑफ द A7S III कैमरा इज टू प्रोड्यूस हायर क्वालिटी 4K वीडियोज. ऑफकोर्स ड्यू टू द लो रेजोल्यूशन इट ऑल्सो क्राउंड एज लो लाइट किंग एंड वॉट एवर, बट basically this is one of the best full frame mirrorless camera available for commercial cinematographers. again agar aap Canon की तरफ थोड़ी inclined हो, then of course the R5C से भी related मेरे पास कई सारे questions आ रहे हैं. and of course if you are into Canon, आपने Canon के system से already आप जुड़े हुए हो, it's better to have the R5C camera instead of having R5 for video purpose, or अगर आपका बजट ज़्यादा है तो अदरवाइज यू कैन गो विद R6 और व्हाटएवर कैमरा यू वांट. बट हाँ, R5C इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फॉर सिनेमाटोग्राफी कैनन एवर मेड. ठीक है, तो इस 4th जो पोजीशन है इसमें हमारे 2 कैमरे हैं. द फर्स्ट वन इज़ ऑफकोर्स अनडाउटेबली द A7S III कैमरा जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करा गया फॉर सिनेमाटोग्राफी पर्पज. एंड ऑफकोर्स द सेकेंड वन इन द 4th पोजिशन इज़ द R5C. इन दोनों कैमरे में से आप कोई भी कैमरा पिक कर सकते हो फॉर सिनेमाटोग्राफी वीडियो पर्पज ड्यूरिंग वेडिंग. दे आर कॉस्टली आई नो, बट दे आर वन ऑफ द बेस्ट कैमराज एवर मेड टिल डेट. सो यार, यू कैन बाय दिस कैमराज फॉर सिनेमाटोग्राफी पर्पज विदाउट हैविंग अ सेकेंड थॉट इन योर ब्रेन. अब चलिए हम 5वें नंबर पर बात कर लेते हैं. जिस तरह से 4th नंबर पर 2 कैमरे थे R5C और A7S III, उसी तर्ज पर 5वें नंबर पर भी हमारे पास 2 कैमरे हैं. और इन दोनों कैमरों को हमें रखना हमारी मजबूरी, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन और जो प्राइस है इसके चलते हम इन्हें नहीं हटा सकते. दे आर वन ऑफ द बेस्ट कैमराज अवेलेबल फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स राइट नाउ इवन इन द ईयर ऑफ 2022. और इनमें से जो 2 कैमरे हैं उनमें जो पहला नाम आता है वो है निकॉन का Z5 का. तो 5th नंबर पे निकॉन Z5 है. Z5 अपनी प्राइस और स्पेसिफिकेशन रेशियो को लेकर 5th नंबर पे है. और जो दूसरा कैमरा है 5th नंबर पे वो है सोनी का A7 III. प्राइस वर्सेस स्पेसिफिकेशन रेशियो को थोड़ा सा आपने समझना है. बात यह है मेरे दोस्त कि जिस प्राइस पॉइंट पर निकॉन Z5 में जितने फीचर्स हमें मिल रहे हैं उतने फीचर्स हमें किसी भी कैमरा मेकर ने अभी तक ऑफर नहीं करा है. एंड देर आर लॉट ऑफ वेडिंग फोटोग्राफर दोस्त हू आर यूजिंग Z5. वन ऑफ द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड अबाउट Z5 की, Z5 आप लेते हो तो ऑफकोर्स AF लॉक स्पीड Z5 की बहुत उम्दा है, बट या देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर सोनी के APS-C कैमरे उसको यूज़ कर सकते हैं वो उतनी ट्रैकिंग से हैप्पी नहीं रहते, दे आर बिट डिसअपॉइंटेड विद द ट्रैकिंग फीचर ऑफ द Z5 कैमरा। फ्रैंकली स्पीकिंग अबाउट द थिंग्स आई लाइक एंड आई डोंट लाइक अबाउट द कैमरा, इसमें कुछ छुपाने और लुकाने की ज़रूरत नहीं है, या द ट्रैकिंग इज इन दैट ग्रेट, बट इस पर्टिकुलर बजट में आपको एक फुल फ्रेम सेंसर मिलना जिसकी AF लॉक स्पीड ऑफकोर्स बहुत उम्दा है, एंड ऑफकोर्स द Z5 कैमरा ऑल्सो फीचर्स बिल्ट इन सेंसर स्विफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। तो इतनी सारी चीज़ आपकी 120,000 के अंदर, 125,000 के अंदर एक किटलेंस के साथ मिल जाना, इट्स जस्ट एन अमेजिंग थिंग। तो यहाँ पर अगर आप एक एंट्री लेवल फोटोग्राफर हो, वेडिंग फोटोग्राफर, इफ आर लुकिंग फॉर अ कैमरा, अ बजट फुल फ्रेम कैमरा, ऑफकोर्स वेडिंग फोटोग्राफर्स के पास एक फुल फ्रेम कैमरा होना ही होना चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पस इस पर्टिकुलर रेंज में Z5 अभी बहुत बहुत उम्दा ऑप्शन है। द सेकेंड ऑप्शन, अगेन फिफ्थ में ही दूसरे ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये है सोनी का A7 III कैमरा। ऑफकोर्स 2018 से पॉपुलर चल रहा है, एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड लॉट अबाउट द A7 III कैमरा, बट अनडाउटेबली A7 III इज स्टिल इन आवर फिफ्थ पोजीशन आफ्टर द Z5। A7 III इसलिए हमने इसे अभी तक अपनी रिकमेंडेशन में रखा हुआ है क्योंकि अंडर 2 लाख अगर Z6 Mark II कैमरा नहीं लेना है, यू डोंट लाइक द 24-70 f/4 लेंस, देन ऑफकोर्स यू कैन गो विद द Tamron 28-75 Z1 Z2। आप किसी भी लेंस के साथ जा सकते हो, सैमयांग की लेंस के साथ जा सकते हो, सिग्मा की 8 लेंस के साथ जा सकते हो। सो विद द A7 III यू डू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, थर्ड पार्टी लेंस ऑप्शन, कोई भी FSU नहीं, सारी लेंसेज की नाम में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारे 2 कैमरा आते हैं, फॉर स्पेसिफिकली फॉर फोटोग्राफी पर्पस Z5 एक बहुत उम्दा कैमरा, नॉट सो मच रिकमेंडेड फॉर वीडियोग्राफी सिंस वी हैव क्रॉप इन द 4K, कितना क्रॉप मिलता है हमें 1.7x का, एंड अगेन A7 III इज रिकमेंडेड फॉर बोथ सिनेमाटोग्राफर्स एंड फोटोग्राफर्स, विच इज़ अ बजट फ्रेंडली फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा, और इसकी कई सारे लेंसेज मौजूद हैं। सो हमारी टॉप 5 की लिस्ट कंप्लीट हो गई, एंड एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था एंड में हम एक DSLRs कैमरे के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, सो राइट नाउ दिस इज द टाइम फॉर देम। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं वो आ रही है निकॉन के D750 कैमरा के बारे में। D750 कैमरा सर क्या हम ले लें, 80,000 में हमारे 18-140 mm की लेंस के साथ अवेलेबल है, एक परफेक्ट कवरेज लेंसेज के बाद हमें एक सिर्फ कैंडिड लेंस लेनी है, 50 mm की F1.8 50 ले लेनी है, काम बन जाएगा हमारा, 1 लाख के अंदर एक वेडिंग पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन हर 2-3 दिन में मेरे पास आ रहे हैं, और जो कई सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं ये बातें मैं उनसे करता हूँ, क्यों नहीं Z50 ले ले रहे हो, DSLR का जमाना चल गया, मिररलेस आ गया, सो दे आर नॉट सो मच सेटिस्फाइड कि Z50 लेना होगा, किट लेंस लेनी होगी, पावर जूम लेंस है, 10 बार अंदर बाहर जानी है, ड्यूरेबिलिटी का क्या और बैटरी का क्या, बैटरी पैक तो 2-3 एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी अपनी Z50 कैमरे के साथ, और वो भी किट लेंस की लिमिटेड रीच होगी, एंड अगेन आफ्टर दैट वी हैव टू परचेज द Z-mount 50mm लेंस जो ऑफकोर्स थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली है, या फिर 40mm की हमें F2 लेंस खरीदनी पड़ेगी Z-mount की। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बजट में ये सारी चीज़ें अटक जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है देन ऑफकोर्स यू कैन गो विद द Z50 कैमरा, एंड यू हैव टू बाय द एटलीस्ट 20,000-40mm F2 लेंस, वो आपने लेनी पड़ेगी, और किट लेंस के साथ काम कर सकते हो। निकॉन की अपनी जो उन्होंने Z-mount की 18-640mm की लेंस लॉन्च करी वो भी आई है, बट ये सारी की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा चली जा रही है। सो इवन आफ्टर दैट देखो मेरे दोस्त, एक बहुत फ्रैंकली रिकमेंडेशन मैं आप कर रहा हूँ, DSLR मिररलेस अपनी जगह है, आपकी ज़रूरतें अपनी जगह हैं, आपके बजट अपनी जगह है। D750 कैमरा कोई बुरा कैमरा तो है नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, D750 कैमरे के अंदर जो सेंसर यूज़ हो रही वही अपने Z50 के अंदर यूज़ हो रही, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो दिखने नहीं वाला है। ऑफकोर्स एक बजट में अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो आप आराम से इससे 1-2 साल काम कर सकते हो, आपका बजट लिमिटेड है, आपको लग रहा है 18-140mm लेंस आपके लिए ज़्यादा यूजेबल रहेगी कंपेयर टू द किट लेंस यू आर गेटिंग विद द Z50 कैमरा, एंड इट्स ट्रू ऑल्सो अप टू सम पॉइंट, क्योंकि ऑफकोर्स यू आर गेटिंग मोर कवरेज विद 18-140mm लेंस, और थोड़ी बजट में आपको फिर पोर्ट्रेट लेंस निकॉन की मिल जाएगी, एंड आफ्टर हैविंग अ DSLR कैमरा, DSLR कैमरे की एसेसरीज भी सस्ती होगी, सर्विस और सपोर्ट भी मार्केट में ज़्यादा अभी अवेलेबल है।
सो लिटरली अगर मान लो अभी 2022 में आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है कि आप एक मिररलेस कैमरे के साथ जाओ, उसकी एसेसरीज, उसकी लेंसेज परचेस करो, इट्स ओके टू हैव अ डीएसएलआर कैमरा। इतनी हाइप में नहीं बह जाना, आप अपनी जरूरतों बजट के हिसाब से परचेजिंग करो। और D750 कैमरा कोई बहुत बुरा कैमरा नहीं है, इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि हर, जैसे मैंने कहा, हर 2-3 दिन में मेरे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड इफ यू हैव अ लिमिटेड बजट और आपका बजट अलाउ नहीं करता है, देन ऑफकोर्स यू शुड, यू कैन गो विद द D750 कैमरा। जैसे पैसे एक्युमुलेट होते हैं आपके पास, यू कैन अपग्रेड टू नेक्स्ट बॉडी, अपनी बॉडी को अपग्रेड कर लेना। बट जब तक एक्युमुलेशन नहीं हो रही आपकी मनी की, यू कैन हैव द D750 कैमरा, इट्स ओके टू बी विद दिस कैमरा। कोई भी इतनी बड़ी इश्यू नहीं है। या DSLR मिररलेस थिंग बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, बट या यूजिबिलिटी के हिसाब से इवन यू कैन क्लिक पिक्चर्स विद दिस कैमरा और पिक्चर्स अच्छी आएंगी। वीडियो के लिए D750 कैमरा नहीं बना हुआ है, वीडियो ऑटो फोकस इसके अंदर नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस कैमरा फॉर वीडियो पर्पस। एंड ऑफ कोर्स फॉर फोटोग्राफी पर्पस D750 कैमरा इज स्टिल अ एक्सेलेंट कैमरा। इफ बजट नॉट अलाउज यू टू हैव अ मिररलेस कैमरा इन दैट रेंज विद द सेट ऑफ लेंसेज यू विश टू हैव, आप D750 कैमरे के साथ जा सकते हो, ठीक है। द सेकेंड कैमरा आई गेट क्वेश्चन इज द 200D Mark II, द 850D कैमरा, क्या इनके साथ हम अभी रह सकते हैं, जा सकते हैं? देखो, 200D Mark II कैमरे में और D750 कैमरे में जमीन आसमान की अंतर है। 200D Mark II कैमरा ऑलरेडी एक मिररलेस सिस्टम को अपने अंदर लिए हुए है, 850D भी मिररलेस सिस्टम को लिए हुए है। बोथ ऑफ दिस कैमराज हैविंग DPF सेंसर, आपने ये समझना है। तो ऑलरेडी एक मिररलेस तो है ही, प्लस ये DSLR है, सो दैट्स why we call these DSLRs a hybrid DSLRs, ये समझना है आपको। they are already having the, इनके अंदर already mirrorless camera के features हैं और DSLRs के भी, that's why we are calling these DSLRs hybrid DSLRs। तो आप 200D Mark II के साथ भी जा सकते हो, budget कम है। आपने kit lens से अच्छी lens लेनी तो Sigma की 1750mm की f2.8 lens ले लो, और पोर्ट्रेट्स के लिए 50mm की f1.8 लेंस ले लो। सो इवन दो यू कैन गो विद दिस DSLRs, या फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स, जैसे आपने पता है कि कैनन ने इसकी जो जेनरिक फ्लैश पिन होती है उसे हटा दी है, एक आपका गोडॉक्स का ट्रिगर लेना होगा जिसकी कीमत लगभग आपको 2500 के करीब पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट ट्रिगर यू कैन यूज़ द कन्वेंशनल फ्लैशेज टू। सो दीज वेर माई रिकमेंडेशंस टू यू। इवन आफ्टर दैट इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, यू आर फील फ्री टू आस्क मी, और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूल जाना। नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।